सिंह जी, अखिलेश यादव जी ने हम नल से जल दिए। मनीष सिंह जी, अखिलेश यादव जी को बार बार विरोध है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर अखिलेश यादव ने विरोध किया है, तो सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है मनीष सिंह जी? बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का मस्तिष्क इस समय पागलपन का पूरी तरह से शिकार हो चुका है। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों की आवश्यकताएं क्या है, हिंदुस्तान के लोगों की जरूरतें क्या है, हिंदुस्तान के लोग चाहते क्या है। एक बार भी प्रदीप जी, आपसे बड़ा वरिष्ठ पत्रकार मैंने, मतलब जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन रहता है, जितनी अच्छी आप मुद्दों को ढूंढ करके लाते हैं, जितने अच्छे मुद्दों पे बहस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसा भी कोई समझदार व्यक्ति उस पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं शामिल है। एक बार भी सरकारी नौकरी की बात भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री के तरफ से एक बार भी सरकारी नौकरी की बात नहीं की गई। इससे बड़ा हिंदुस्तान में दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। जो हमारे हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा आज के समय में सबसे मतलब बहुत गंभीर मुद्दा है देश के सामने, एक बार भी उस पर बात नहीं की गई। जनगणना पर एक रुपया सरकार ने नहीं दिया, जबकि जनगणना आज के समय में सबसे आवश्यक चीज है, जनगणना पर एक बार सरकार ने बात नहीं की। अब सरकार क्या बात कर रही है, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टरों में ये नौकरी देने की बात कह रहे हैं। अब सोचिए, कंपनी आप बनाते हैं, कंपनी में पैसा आप लगाते हैं, कंपनी के डायरेक्टर और एमडी आप रहते हैं, मालिक आप हैं, और नौकरी सरकार दे रही है। इससे बड़ा हास्यास्पद और इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है।